इतना मोटिवेट किया यहाँ मुझे HGM स्कूल से, इतना मोटिवेशन मिली कि मैं इस लेवल तक पहुँची। सलीम सर ने मुझे मतलब चुना इस कंपटीशन के लिए एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सर के मतलब उनको उनको मेरे पे ट्रस्ट था। आज थ्रू माई कैरियर आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। मैं हमेशा स्पीच में पार्ट लेती थी, जो भी कॉम्पिटिशन उसमें पार्ट लिया करती थी, और इसी के बेसिस पर सलीम सर ने मुझे इस एक्सटर्नल स्पीच कॉम्पिटिशन के लिए चुना था। सो एज वी आर ह्यूमन बींग्स, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू नो एवरी थिंग अंडर द स्काई, जस्ट यू नीड अ बेसिक फैक्ट अबाउट द थिंग। सो जो मैंने चीज़ चुनी थी वो थी कोरोना वायरस। एज यू नो दैट इट इज़ प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी नोवाडेज, सो आई जस्ट पुट अप दिस टॉपिक कोरोना वायरस, और मैंने इसको बताया कि हाउ इट इफेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, इससे हमारा जो बजट सिस्टम था कितना वो डिस्टर्ब हुआ, उसके अलावा जो हमारी जो हम देखते हैं हमारी हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ हैं, हमें तब पता चला कि हम जो ऑक्सीजन वेस्ट करते हैं, यू नो पोल्यूट करते हैं, सॉरी, हमें उसकी तब कितनी इम्पोर्टेंस फील हुई। हमें अपना पता चला कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितनी मतलब अपना जो बजट है वो कितना डिस्टर्ब हुआ है, फिर भी उसने अपने कितना दिया इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑनली टू सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल। सो जस्ट आई वुड लाइक टू से दैट द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टडी। सो बिल्कुल भी अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट मत समझिएगा, या फिर ऐसा फील कीजिएगा कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यू कैन डू एवरी थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू, इट्स जस्ट यू नीड अ क्लियर माइंड सेट फॉर डूइंग दिस वर्क।